आप सबका स्वागत करता हूं। कल का दिन बहुत ही आशीषमय रहा हमारा। मीटिंग के दौरान कल पहला दिन था, भाई सूरज परमानी के साथ थे, भाई मैनुअल सिद्धू जी वहां पर वर्शिप कर रहे थे और बहुत ही आशीषित वर्शिप थी और बहुत ही आशीषित प्रभु का वचन था। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में बहुत आशीष पाई और हर एक ने वहां पर जो जितने लोग मौजूद थे, भाई बहन बुजुर्ग बच्चे, सब ने आशीष पाई और सब ने एक निर्णय लिया कि अब हम एक बदलाव की ओर जाएंगे, अब हम प्रभु के साथ चलना सीखेंगे, अब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे। ये एक निर्णायक डिसीजन था उस मीटिंग में, जिसके लिए सूरज भाई ने हम सबको उत्साहित और प्रेरित किया। सो आज का दिन, आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। आज भी मैं जा रहा हूं और मेरे साथ भी कुछ लोग जा रहे हैं। सो मैं आपके साथ कुछ गवाहियां भी कल की मीटिंग के दौरान जो वचन के द्वारा जिनकी ज़िंदगियों में बदलाव आया वो शेयर करूँगा। सो मैं आप सबको एक बार फिर प्रेरित करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इसी मीटिंग की फुल वीडियोज़ जो है वो आपको मेरे चैनल पर दिखने के लिए मिलेंगी और जो भी हमारे चैनल पर हम कुछ नया अपलोड करेंगे वो आप हमारे चैनल के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए और अपने जीवन की आत्मिक तरक्की के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखते रहें। आप सबको प्रभु आशीषित। भविष्यवाणी करता है वो मेरा पास्टर है, वो डांटता है वो मेरा पास्टर नहीं है। बाइबल बताती है अंत के समय में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। आप पढ़ के देखिए, और जब उन्हें डांटा जाएगा तो कान खो जाएंगे, ये मेरे लिए नहीं है। या सी, ये तिमुथियुस में है। नहीं कौन सा मॉल चलता है इनका, पता नहीं रेलवे खरीदी है इन लोगों ने, कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े इनके कि क्या पड़ा हुआ है, इतना फोन छुपाएंगे। आजकल किसी से फोन मांगो तो ऐसे देखते हैं मानो किडनियां मांगी। हाँ, एक दिन मैंने एक चर्च के भाई को कहा, ब्रदर मुझे आपका फोन चाहिए। ऑनेस्टली बताता हूं, मुझे अहमदाबाद कॉल करना था मेरे भाई को और मेरे पास बैलेंस नहीं था, बहुत अर्जेंट था, मुझे कॉल करना था। मुझे लगा मैं नीचे उतरूंगा, रिचार्ज करवाऊंगा, टाइम लग जाएगा। तो मैंने उनको खोला कि ब्रदर आप मुझे 2 मिनट फोन दोगे मेरा? देखा, यस आपका। कहाँ होती है? नीचे के ऊपर, ऊपर छतों पर होती है वो। उसे निकालने के लिए जिंदगी ऊपर हथेली पे चढ़ानी पड़ती है, ऊपर जाना पड़ता है, वहां से उसे उतार के नीचे लेके जाना पड़ता है। दोनों कामों में मेहनत है। प्रभु उनको ये कह रहा था, मैं तुम्हें जिस देश में ले जा रहा हूं वहां तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें वहां पर हार्डवर्क करना है, तब जाके तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। जब तक वे जंगल में चलते थे मन्ना गिरता था, जिस दिन उन्होंने कनान की जमीन पे पैर रखा मन्ना बंद हो गया, क्योंकि प्रभु चाहता था ये। आप बिलीव करते हैं हम कल सुबह सब स्वर्ग में मिलने वाले? यस, बिल्कुल। वहां पर बहुत सारे वर्शिपर्स भी होंगे,
मैं प्रभु को बोलूंगा पास्टर इमैनुएल जहां पर है मुझे वहां छोड़ दो ताकि मैं उनके साथ वर्शिप कर सकूं। सुनिए, हर दिन इस विश्वास से जियो कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये मुझे प्रभु के लिए जीना है। दुष्ट है वो सेवक जो विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। हर दिन हमें ऐसे जीना पड़ता है, हर दिन के आज लास्ट डे है। उन दिनों में भी लोग इतना विश्वास नहीं करते थे जितना आज की पीढ़ी करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कन्विंस करना चाहता हूं, त्रयता का वो तीसरा व्यक्ति पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वो आपके अंदर इस समय रहता है। अब मेरा सवाल ये है, क्यों परमेश्वर ने आप में से हर एक को अपना आत्मा दिया है? याद रखिए, मैं उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो बचपन से आपके पास है, मैं उस वरदान की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण।